बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर विशेष धम्म देशना आज दिनांक 18 मई 2020 विशेष धम्म देशना सुखो बुद्धानं उपादो सुखो सद्धम्म सवनं सुखा संगस सामगी समग्गानं तपो सुखो हम विशेष रूप से 10 पारमिता पर हम 2 दिन से बोल रहे हैं। यह 10 पारमिताओं की भूमिका आप 16 मई के शाम के प्रवचन में देखिए, 6:30 बजे का जो प्रवचन आता है। ये पारमिताएं हमारे बीमारी में, हमारे दिक्कतों में, संकटों में, परेशानियों में कैसे काम आती है, उसका कितना महत्व है, उसकी जानकारी आप 16 मई के उस प्रवचन में देखिए। आज हम यह 10 पारमिता में से तीसरी जो पारमिता है निक्खम्म पारमिता, उस पर हम प्रकाश डालेंगे। ये निक्खम्म पारमिता यानी नैष्क्रम्य कहते, जैसे निक्खम्म कि जिसे परित्याग करना है, हर चीज को हमें धीरे 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 छोड़ देना है और किसी हेतु से, किसी उद्देश्य से तथागत बुद्ध ने जो निष्क्रमण किया, अभी निष्क्रमण यानी घर बार छोड़ देना, परिवार छोड़ देना, अपने सभी प्रियजनों को छोड़कर किसी बड़े उद्देश्य के लिए अभी निष्क्रमण किया तथागत, मतलब सिद्धार्थ गौतम ने बुद्ध बनने के लिए। तो ये निष्क्रम में पारमिता गृहस्थ लोग भी, उपासक उपासिकाओं ने भी इसका पालन करना चाहिए। तो सभी ने घर छोड़ना चाहिए ऐसी बात नहीं, वो तो बुद्ध बनने के लिए होता है, अरहत बनने के लिए होता है। लेकिन उपासक उपासिकाएं भी इसका पालन करके आध्यात्मिक ऊंची अवस्था अपने वर्तमान जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो निक्खम्म पारमिता कैसे करें हम, तो अपने मन को हमें ऐसे आदत डालनी है कि धीरे 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 हम गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी, सारे काम धंधों में रहते हुए भी, हम उससे अटैचमेंट न प्राप्त करके, बहुत आसक्ति न प्राप्त करके उसे निरासक्त होने का प्रयास करें, उसे निकलने का, उसे बहुत लगाव चिपकाव नहीं, तो धीरे 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 हम अपने मन को निर्मल बनाते हुए, परिशुद्ध बनाते हुए, ये जानते हुए कि ये मेरा जीवन, ये मेरा शरीर, ये प्रत्येक क्षण बदलने वाला है, जिसे मैं मेरा हम कहते रहते हैं, ये तो केवल व्यवहार मात्र के लिए है। लेकिन सही में देखा जाए तो
तो इस शरीर पर मेरी मलकियत हो, जिसे मैं संभाल के रख सकूं, मेरे मन चाहे उसे मैं रखूं बनाऊं, ऐसा इसमें मेरा अधिकार नहीं है। या मेरे मन को मैं चाहूं वैसा कर सकूं, कुछ हद तक ठीक है, उसको हम निर्मल कर सकते हैं, परिशुद्ध कर सकते हैं, उस पर नियंत्रण भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये मन और शरीर, जिसे मैं मेरा का जो भाव हमारा बना रहता है, मैं मेरा, तो एक दिन ये मेरे हाथ से छूट जाते हैं, शरीर से भी मन छूट जाता है, चित्त जिसे कहते हैं चुती चित्त, फिर पटी संधि चित्त, यानी शरीर से निकलकर वो दूसरी जगह जुड़ जाता है और शरीर भी अलग हो जाता है, जिसे मैं मेरा कहते हैं हम, लेकिन उस पर हमारा उतना कोई अधिकार नहीं, इस बॉडी पर भी अधिकार नहीं, इस बॉडी को भी हम नहीं संभाल सकते। जब वक्त आता है तो इस बॉडी को मृत्यु होना पड़ता है, जाना पड़ता है, खत्म होना पड़ता है। तो ऐसे भावों को मन में जगाकर हम ये सोचते रहे कि मुझे एक दिन जिस घर में मैं रहता हूं, जिस घर को मैं मेरा करता कहता हूं, यह घर भी एक दिन मुझे छोड़ना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा। तो यह भाव मन में बनाकर प्रसन्नता से रहते हो कि जाना पड़ेगा तो जाना पड़ेगा, ठीक है, जो वक्त आएगा तो वक्त आएगा, जो वास्तविकता है उससे क्यों हम मुंह मोड़ ले, है तो है, परिवर्तन होता है तो होता है, उसे स्वीकारो और उस परिवर्तन में भी मुस्कुराते हुए जीना सीखो। परिवर्तन को हम तो रोक नहीं सकते, वो तो होता ही रहेगा, वो तो एक द लॉ ऑफ द नेचर है, वो तो धम्म का नियम है। परिवर्तन को, बदल को रोका नहीं जा सकता, वो किसी के हाथ में नहीं है रोकना। सूरज जब उगेगा तो उगता ही है और उसका अस्त भी होता है, फिर उगता है, फिर अस्त होता है, फिर उगता है, फिर अस्त होता है, तो उसकी गति और उसका स्वयं का परिभ्रमण, उसमें उसके भीतर ही भीतर परिवर्तन, चेंजेस वो भी होते रहते हैं, अंदर भी चेंजेस, बाहर भी चेंजेस, बाहर भी परिवर्तन, ये तो होता ही रहता है, ये ऋतु ये बदलती है, कभी धूप काल आता है तो कभी बारिश की सीजन आती है, कभी ठंड का मौसम आता है, तो आने ही वाले हैं, ये चक्र ऋतुओं का वो चलता ही है, परिवर्तन होता ही है, ये धम्म है, उसे कोई नाम नहीं दे सकती। तो जो धम्म है निसर्ग का, जो वास्तविकता है निसर्ग की, उसे प्रज्ञा बुद्धि से जानकर, उसे अच्छी तरह समझकर जानकर, उसमें हमें तैरना सीखना है, जीना सीखना है आनंद से, जैसे कि समुद्र में हलचल होते ही रहती है, एक के ऊपर एक लाटे चल रही, समुद्र में कभी हाई टाइड आती है, कभी लो टाइड आती है, परिवर्तन समुद्र के पानी में चल ही रहा, और हमारी नाव, हमारी बोट जब उस समुद्र से गुजर रही, तो बोट को, उस नाव को समुद्र से चलते समय
समुद्र में जो भी परिवर्तन होता है उसको सहते हुए, उसको एनकाउंटर करते हुए उस बोट को, नाव को आगे चलना है। हम ये झूंझते रहे कि नहीं मुझे तो जाना है, और समुद्र ने अपनी लाठी शांत कर देनी चाहिए, अब समुद्र ने शांत हो जाना चाहिए क्योंकि मैं जा रहा हूं, इसलिए मेरी माने और समुद्र शांत हो जाए। ऐसा नहीं होने वाला है, वो तो अपने ढंग से काम करते रहेगा क्योंकि उसका स्वभाव है। यह हवा, हवा में परिवर्तन होते रहता है, हर जगह परिवर्तन है ही, तो उसको जानकर समझकर हम अपने में वो समझदारी निर्माण करें, वो ज्ञान निर्माण करें, बोध निर्माण करें और अपने आप को बदलने का प्रयास करें। हर अवस्था में मुस्कुराते हुए उस परिवर्तन को जानते हुए, उसका अनुभव करते हुए जीना सीखना बड़ा कल्याण का होता है। और ये नए क्रम में यानी धीरे धीरे हमें जीवित रहते हुए भी, घर में रहते हुए भी हम अल्प वस्तुओं में संतुष्ट रहने का प्रयास करें, बहुत सारे वस्तु के पीछे ना दौड़े, तो उसे कहते हैं वो डिटैचमेंट की तरफ जा रहा है। जिस प्रकार पानी में मेंढक पानी में रहता है, लेकिन पानी में रहते हुए भी उसका मुंह ऊपर ही है। पानी कितना भी गहरा रहने दो, कम रहने दो, ज्यादा रहने दो, वो बस ऊपर ही है। पानी के भीतर जो चलता है चलने दो, लेकिन वो ऊपर है, उसका मुंह ऊपर है। इसी प्रकार हमारा भी चित्त ऊपर होना चाहिए इस परिवर्तन की, परिवर्तन के साथ बह न जाए, तो उससे निकलने का प्रयास करें, तैरने का प्रयास करें, नदी को पार करने का प्रयास करें। जब नदी बह रही है तो बहते हुए नदी से भी जो तैरने वाला होता है ना, तो बहते हुए नदी से भी इस किनारे से उस किनारे पर बहते हुए नदी को पार करके वो सुरक्षित स्थान में निकल जाता है, तो बच जाता है। यदि नहीं निकल गया बहते नदी में, बाढ़ आई नदी को, नदी बह रही है और वो नदी पार करके उधर निकल गया, तो निकल गया, निकल जाता है तैरने वाला व्यक्ति। लेकिन जिसे तैरना याद नहीं तो वह नहीं निकल पाते, वो बहते नदी के धारा में बह जाएंगे। तो हमें पार निकलना है, और ये पार निकलने के रास्ते है 10 पारमिता के रास्ते। जितना 10 पारमिताओं का हम पालन करते रहेंगे, उतने ही उतने हम ऊंचाई की तरफ, मुक्ति की तरफ, निर्वाण की तरफ हम बढ़ते चले जाते हैं। निर्वाण का साक्षात्कार हमें जीते जी भी होता है। कैसे होता है निर्वाण का साक्षात्कार जीते जी? एक बार बुद्ध को किसी ने प्रश्न पूछा कि भगवान आप बार 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 कहते हैं संदुष्टिक निर्वाण, संदुष्टिक निर्वाण, ये निर्वाण संदुष्टिक है, तो हमें बताइए कैसा संदुष्टिक है? आंखों से देखा जाता है, उसका अनुभव किया जाता है। तो बुद्ध ने बताया समझा कर, उसका अनुभव होता है
कैसे अनुभव होता है कि जैसे कि कोई व्यक्ति यदि प्रदुष्ट मन से, विकार ग्रस्त मन से, जिस मन में द्वेष है, लोभ है, क्रोध है, ऐसे मन से जीने वाला व्यक्ति, तो हम देखते हैं कि ऐसे मन से जो जिसका मन ऐसा भरा हुआ है वो निब्बान से दूर है। लेकिन ऐसा भी व्यक्ति कि वो क्रोध को मिटाकर, मन के द्वेष को मिटाकर, मन के विकारों को मिटाकर कुछ समय तक वो निर्विकार भी जी सकता है, कभी मन में कोई क्रोध नहीं, मैं शांत हूं, मन में कोई वासना नहीं, मैं वासना से मुक्त हूं, मन में कोई ऐसे ड्रग्स लेने की या गुटखा लेने की भावना नहीं, सिगरेट पीने की भावना नहीं, तो मैं सिगरेट से मुक्त हूं, तो मुक्त रहा जा सकता है। तो जब तक वो मुक्त है तब तक वो सांदृष्टिक निब्बान का आनंद ले रहा है, जब तक मुक्त है। और जब मुक्त नहीं है तो विकारों में प्रदुष्ट मनो प्रदुष्टि यदि मन में है, प्रदुष्टता मन में है, तो वो निर्वाण से दूर है। निर्वाण का मतलब ही है कि तृष्णा से, विकारों से दूर रहना, मुक्त रहना। तो जितने समय तक हम अपने चित्त को उन विकारों से दूर रहते हैं, उतने समय वो चित्त, वो मन शांति का अनुभव करता है, सही मायने में स्वस्ति का अनुभव करता है, शांति का अनुभव करता है। जैसे कि पानी, यदि किसी बर्तन में पानी, कढ़ाई में पानी उबल रहा है गर्मी से, उसको गर्म कर रहे, उबल रहा है, तो उबले हुए पानी में हम यदि चाहे अपने चेहरे की छवि देखने चाहे तो नहीं देख सकते, क्योंकि शांत नहीं है, उबल रहा है। लेकिन पानी नहीं उबल रहा, पानी शांत है, तो वहां पर यदि हमने अपने मुंह को झांका तो छवि दिखाई देती है, शांत पानी भी दिखाई देती है। इसी प्रकार मन यदि उबल रहा, विकार ग्रस्त है, तो स्वस्ति नहीं, शांति नहीं, बेचैन है, अशांत है, निर्वाण से दूर है। लेकिन यदि मन किसी पर्टिकुलर विकारों से अलिप्त रह गया, अलग रह गया, तो उस मायने में वो सांदृष्टिक, उस शांति का, निर्वाण का साक्षात्कार कर रहा है। ऐसे तथागत बुद्ध ने कहा सांदृष्टिक निब्बान, कुछ समय तक का, कुछ पलों तक का निर्वाण। और फिर जैसे जैसे हम चित्त को अधिक मात्रा में हम निर्मल करेंगे, परिशुद्ध करेंगे, उतने अधिक मात्रा में हम सुख के, शांति के, आनंद के धनी बन जाएंगे, तो ये निष्क्रम्य पारमिता, यानी धीरे 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 हमें अपने मन को डिटैच करना है इन वस्तुओं से, ये सोच करके, ये घर भी मुझसे निकल जाएगा, ये बॉडी भी मुझसे निकल जाएगी, ये मेरे रिश्ते नाते वाले आज रहते हैं, मैं आनंद के साथ उनके साथ रहूं, बहुत प्रसन्नता से मैं उनके साथ जीवन जीऊं, लेकिन मन में एक बात रखकर, एक दिन ये भी मुझसे चले जाएंगे, मैं भी इनसे चला जाऊंगा। तो ये बात मन में रखकर हम प्रसन्नता से जिए, जब तक है परिवार में, जब तक है हम लोगों के साथ,
तब तक आनंद से जीना सीखो, सुख से जीना सीखो। तो ये निष्क्रम्य पारमिता। फिर उसके बाद है चौथी वीर्य पारमिता। तो वीर्य पारमिता, वीर्य यानी एफर्ट, प्रयत्न, किसी बात को हासिल करने के लिए हमें बड़े दृढ़ ढंग से प्रयत्न करना पड़ता है, बार 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 उसे हासिल करने के लिए। तब हम जितने प्रयत्न करेंगे उतने धीरे धीरे सफलता की ओर हम जाते चलेंगे। इसलिए वीर्यता यानी वो जोश, वो उत्साह बार बार निर्माण करें। ये मन का सद्गुण है। दौड़ने वाला व्यक्ति जब वो शरीयत में दौड़ता है तो बड़े जोश से, बड़े वीर्यता से दौड़ता है, बड़ी शक्ति से दौड़ता है। दौड़ते 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 वो कभी विजयी होने की अवस्था को पा लेता है। लेकिन जो दौड़ता ही नहीं, दौड़ने में आलस करता है, तो कभी यह संभव नहीं कि वो अपने जीवन में कभी दौड़ में विजय हो जाएगा। नहीं होगा विजय, क्योंकि उसके लिए प्रयत्न करता है, बार 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 प्रयत्न करना पड़ता है। तो वो हमारा प्रयत्न भी निरंतर प्रयत्न चलता रहे, निरंतर हम उस ध्येय को पाने के लिए रात दिन, दिन रात दिन रात प्रयत्नशील रहे, ऐसे प्रयत्न को कहते हैं वीर्य पारमिता। लेकिन वो भी पारमिता हमारी सत्य पर आधारित होनी चाहिए, मिथ्या नहीं, सम्यक होनी चाहिए, सम्यक दृष्टि होनी चाहिए, सम्यक रास्ते से हमें जाना है। यानी वहां भी हर जगह हमें बुद्धि का उपयोग करना है, नहीं तो कोई व्यक्ति जंगल में भटक गया और बाहर निकलने का सही रास्ता मालूम नहीं उसको, चल रहा तो जंगल से बाहर ही नहीं निकलता है, क्योंकि कहां जंगल समाप्त तो होता है, बड़ा घना जंगल है, बहुत लंबा जंगल है। तो ऐसे जंगल में फंसकर वो दुखी होगा, कष्टी होगा। लेकिन सही क्विक रास्ता उसे मालूम हो नजदीक का, तो जंगल से निकलने का भी रास्ता होता है। ऐसा नहीं कि जंगल से निकलने का रास्ता नहीं है, शॉर्ट रास्ता भी होता है कि जिस रास्ते से निकल जाओ तो जंगल से जल्दी बाहर निकल जाओगे। और ऐसा भी रास्ता होता है कि केवल चलते चलो, कहां जा रहे हैं कोई पता है नहीं, चलते चलो और वो सही रास्ता ना हो, सीधा रास्ता ना हो, तो जंगल में फंसते चले जाओगे, निकल नहीं पाओगे। इसी तरह प्रज्ञा से ज्ञान से हमें निकलने का प्रयास करना है। जैसे एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी है कि प्रयत्न तो करना चाहिए, लेकिन प्रयत्न बुद्धि के साथ करना चाहिए, प्रज्ञा के साथ करना चाहिए। वाराणसी में कुछ लोग मार्केट के लिए गए गंगा नदी को पार करके, और दिन भर बाजार किया, नाव को उसने बांध के रखा, और बाजार करने के बाद फिर शाम को सारा सामान लेकर सामान नाव में डाला और निकलने का प्रयास करते हैं। बैठे चार पांच लोग बैठे हैं, उस समय उन्होंने कुछ लोगों ने कुछ नशा भी की, रात का समय था, और पांच लोग बैठे और नाव को चला रहे। लंबा समय हो गया लेकिन दूसरा किनारा आता नहीं पहुंच पा रहे। तो एक को ध्यान आ गया, अरे क्या हुआ, बहुत देर से तो हम
ये पसीना चेर हो गए हैं, पसीना चूर हो गए हैं और नाव कहीं पहुंचती नहीं, क्या हुआ जरा देखो तो। तो फिर एक के समझ में आ गया, अरे इतने घंटों से नाव चला रहे, लेकिन देखो ना हमने जो नाव बांध रखी थी इस किनारे में किसी खूंटे को बांध रखी थी दूर से, हमने छोड़ा ही नहीं, छोड़ना भूल गए, और छोड़ना भूल गए के कारण नाव वहां के वहां हम जोर जोर से चलाने का प्रयास करते हैं, डाई मारते हैं, चलाते हैं, लेकिन आगे नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि हमने दौर छोड़ा नहीं। फिर वो उठता है, उतरता है और उतर कर दौर छोड़ता है और फिर नाव चलाते हैं तो नाव कुछ समय में पहुंच जाती दूसरे किनारे। तो इसी प्रकार यदि हम प्रयत्न करते रहे लेकिन हमारे प्रयत्न बुद्धि पर आधारित ना हो, हमारे प्रयत्न मिथ्या हो, असम्यक हो, तो वो प्रयत्न हमें सफलता की ओर नहीं ले जाते, सफलता की ओर नहीं ले जाते। प्रयत्न सही प्रयत्न होने चाहिए, वीर्यता सही वीर्यता होनी चाहिए, यानी उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ये आलस जो है, आलस वीर्यता का शत्रु होता है। तो जब हमारे विद्यार्थी भी, जब हम अभ्यास करते हैं विद्यार्थी, तो निरंतर इधर अभ्यास करते रहे किसी ध्येय को पाने के लिए, तो सफल हो जाएंगे। सफल होना अपने हाथ में होता है, लेकिन सही दिशा में अभ्यास नहीं किया, आलस किया, सो कर रहे, आलस किया, अभ्यास की तरफ दुर्लक्ष किया, तो सफलता जो चाहिए वो सफलता हासिल नहीं कर पाते, नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये जो पारमिता यानी वीर्य पारमिता वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है हमारे दैनंदिन जीवन के लिए, व्यवहारिक जीवन के लिए और आध्यात्मिक जीवन के लिए भी बहुत जरूरी है। इसलिए ये पारमिताओं को समझकर जो उसका अभ्यास करता है, जो वो पारमिता के अंग को अपने भीतर आंतरिक मन में बढ़ाता है वो वीर्यता वीरेशता शक्ति बढ़ाता है, तो पारमिता को बनती है और उसका कल्याण करती है। ये 10 पारमिताओं में बहुत बहुत अनंत शक्ति छिपाई हुई है। पूरे इनको सुनिए और देखिए इसका अवलंब करके अपने जीवन में सफलता आपके पैर छुएगी, आपके पीछे दौड़ेगी, क्योंकि ये सफलता की कुंजी है, ये परम ज्ञान तक पहुंचाती है पारमिताएं हमें। तो हम और कल मिलेंगे पारमिता के, जो बची पारमिता है उनको समझने के लिए। आप सबका मंगल हो, सबको निरोगत्व मिले, सबको सुखी सुखी मंगलमय जीवन मिले। आप सुनने वाले और जो कमेंट्स भेजने वाले सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मंगल हो आपकी सेवा में, सद्धम्म की सेवा में। डॉक्टर वदंत राहुल बोधी महाथेरो।